मुस्लिम समाज से पीएम नरेंद्र मोदी ने की अपील। आप देख रहे हैं गली न्यूज। 2014 में जीत कर आने के बाद से लेकर आज तक कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं की है और ना ही कभी जनता के किसी भी सवाल का जवाब दिया है। लेकिन टाइम्स नाउ को इंटरव्यू देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए अपने मन की बात रखते हुए कहा कि पहली बार मैं मुस्लिम समुदाय से कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों से कह रहा हूं, आत्ममंथन कीजिए। गली न्यूज व्यूअर्स को बता दें कि आत्ममंथन का मतलब जहनी नजरिया तब्दील करना या फिर अपनी सोच को बदलना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मजीद अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में है तो क्या करना है। सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या आप कांग्रेस के वक्त पर ये दुर्दशा के शिकार हुए हो? आत्ममंथन कीजिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है। सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए। और एक बार आप ये सोचते रहेंगे कि सत्ता में किसे बिठाएंगे और किसे उतारेंगे, तो उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करेंगे। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है। मैं जब भी अरब देशों में जाता हूँ तो भारत देश और मुझे बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गर्भ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। सऊदी अरब में योगा ऑफिशियल सब्जेक्ट है और यहाँ मैं अगर योगा की बात करूँ तो आप ये चला देंगे कि एंटी मुस्लिम है। मैं जितना भी गल्फ देशों में जाता हूँ, लंच या डिनर में अक्सर अमीर लोग मुझसे योगा के विषय पर पूछते हैं कि इसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग कैसे लेना चाहिए। कोई कहता है कि मेरी वाइफ स्पेशल ट्रेनिंग लेने इंडिया जाती है। और यहाँ इंडिया में योगा को भी हिंदू मुसलमान बना दिया गया है। आप लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी समाज बंधवा मजदूर के जैसा जिए। योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूँ तो आप ये चला के एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं कि मोदी जी इसका स्पेशल ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना, कैसे करना। कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीखने, साल में एक महीना तो बोले वहीं रहती है। अमीर की पत्नियां कहती हैं जी, उनके परिवार जन आते हैं। अब यहां उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए। अपनी बात खत्म करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहला, आप कहते हैं कि कोई डरा रहा है, कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप भाजपा वालों में बैठना उठना शुरू करोगे, निकाल देंगे क्या आपको? कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो जाकर बीजेपी कार्यालयों पर। अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो। नाज़रीन इकराम, आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट जरूर कीजिए। इस तरह की मजीद खबरों के लिए गली न्यूज़ पर बने रहिए।